जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर 4 ऑफ कंप्यूटर, मोर ऑन एमएस पावर पॉइंट 2007। तो पिछले वीडियो में जो है जो टॉपिक से रिलेटेड आपके चैप्टर से रिलेटेड था इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट का, वो हम आपको समझा दिए थे। और सेकेंड वीडियो है, इसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कुछ जो बुक से रिलेटेड है उसको, और एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें बताएंगे आपको पावर पॉइंट स्क्रीन और पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर ओपन करेंगे स्क्रीन कैसे खुलेगा। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम सर्च में भी जाकर पावर पॉइंट लिख कर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कीबोर्ड माउस के हेल्प से क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। ओके, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू के ऑप्शन में आएंगे नीचे पॉपअप मेनू में, और यहाँ से फिर हम सेलेक्ट करेंगे किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सामने एक यहाँ पर ये दिख रहा है, एक नया फाइल खुला है जिसमें न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा। अब इसमें कुछ भी हम अपना नाम डाल देंगे, जैसे स्कूल का नाम डालते हैं KCES। ठीक है, स्कूल का नाम डाल दिए, इसको डबल इंटर मारेंगे, और हमारे सामने ये पेज हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, ये एक पेज ओपन हो गया, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर हम क्लिक किए हैं। और अब जो है पावर पॉइंट स्क्रीन में हमारे पास यही है, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम में भी जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट माउस के थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो पावर पॉइंट स्क्रीन है यही है, इसमें दिया है जिसमें ऑफिस बटन है। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार है, ऊपर होता है ये, और नीचे रिबन दिए हुए हैं, रिबन इसमें है नहीं व्यू में अभी, रूलर्स दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो जो दिख रहा है ये रिबन्स होते हैं। ठीक है, अब प्लेस होल्डर और स्लाइड। ठीक है, तो दिस इज प्लेस होल्डर एंड दिस इज इंटायर पेज इज स्लाइड। नीचे क्या है, स्टेटस बार है, दिस इज स्टेटस बार। ओके, तो ये हो गया पावर पॉइंट विंडो और पावर पॉइंट स्क्रीन बोलेंगे उसको। ठीक है, ये स्क्रीन हो गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, क्लिक ऐड टू टाइटल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कूल का नाम लिख लेते हैं, ओके ये हो गया स्कूल का नाम, टाइटल में डाल दिए। इंसर्ट में आएंगे, इस पर भी हम वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का। ये हो गया, कॉपी हो गया इसको। ठीक है, तो अब इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, चलो डिलीट करते हैं, और ये आ गया। तो छोटा कर लिया। ठीक है, तो हटा दिए, ये हो गया टाइटल, इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसको हम बड़ा करें। तो KCES जो लिखे हैं इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, इसको हम ऐसे यहाँ से जो बना हुआ स्क्वायर, इसमें जो रिंग बने हैं इसको हम खींच कर बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और ये हटा दिए। माउस से इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, और इसको डिलीट करके हटा दिए। अब ये हमारे पास जो केसेस है इसको हम इसी को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम और बड़ा कर लेंगे। ठीक, अब सबटाइटल डाल सकते हैं इसमें, हम सबटाइटल डालेंगे या तो एक नीचे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए दूसरा बॉक्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे,
इंसर्ट में क्या कराना है, हमको क्लिप आर्ट भी डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई भी क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, गो ऑल मीडिया, ठीक है, क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लिप, यहाँ पर माय कलेक्शंस में फेवरेट अनक्लासिफाइड माय कलेक्शन ऑफिस कलेक्शन, ठीक है, एकेडमिक एग्रीकल्चर, इसमें कोई भी जैसे यहाँ पर क्या है बस दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ओपन कर लेंगे या यहाँ से क्या करेंगे इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है एक स्लाइड तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये कार आ गया हमारे सामने, इसको हम क्या करेंगे बड़ा कर लेंगे, ठीक है, अब चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ से दूसरे सेल को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है ये वैन, ठीक है, इसको हम ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं आराम से, ऐसे एरो बनेगा, ठीक है, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक स्लाइड तैयार हो गया। अब इसको डिजाइन है, नेक्स्ट क्या है होम है, होम पे बता ही दिए थे, यहाँ पर न्यू स्लाइड भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, एक नया पेज आ गया, ठीक है। तो दूसरे पे हम दूसरे बार करेंगे, फर्स्ट में यहाँ पर, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, अब डिजाइन है तो डिजाइन के लिए कोई भी पेज हम चूज कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगता हो, ठीक है। तो यहाँ से हम एक पेज चूज कर लेंगे इस तरह से, अब सेकेंड पेज भी कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एनी वर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई टाइटल दे सकते हैं, दूसरे में इंसर्ट करा सकते हैं। अब इंसर्ट क्या कराएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फ़ोटो एल्बम देखते हैं इस बार या पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे देखेंगे कोई पिक्चर है, जैसे स्कूल का है, इसको हम इंसर्ट कर लिए, ठीक है। तो अब ये स्कूल का पिक्चर यहाँ पर आ गया, ठीक है, फर्स्ट में ये आ गया, सेकेंड में ये आ गया, ठीक है। अब इस पर एनिमेशन का बात है, जो एनिमेशन हम चूज करेंगे वो एनिमेशन हमें दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, एनिमेशन में जो भी चीज़ हम लाएंगे वो ऑटोमेटिक चेंज होगा, इस पर भी लगाएंगे, ठीक है। और फिर स्लाइड स्लो पे क्लिक करेंगे, स्लाइड स्लो पे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो जो हम एनिमेशन सेट किए हैं वो हमें दिखाई देगा यहाँ पर, ओके, ये इस तरह से। तो ज़्यादा एनिमेशन नहीं था, सिर्फ दो पेजेस हैं, तो बहुत सारा पेजेस बनाएंगे उसके बाद, एक के बाद एक टाइमिंग सेट कर देंगे उसमें। तो फ्रॉम बिगिनिंग या करेंट पेज से उसको स्लाइड को हम क्या करेंगे, स्लाइड शो करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एनिमेशन तैयार हो जाएगा, जिसमें हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड नरेशन कोई साउंड जिसमें हम रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, इसमें से पहले से कोई होगा तो उसको डालकर ऐड कर लेंगे, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे MS पावर पॉइंट के बारे में, ओके, जय हिंद।